उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में एमआईएम के उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा के चुनाव प्रचार में उतरे एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार डट के कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार में अपना सुर्खियों बटोर रहे और खासतौर पर आज जो है उन्होंने साहिबाबाद विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। और साहिबाबाद विधानसभा मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा है। शुरू से ही पंडित मनमोहन झा वहां पर सुर्खियों में रहा है और खासतौर पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद वहां का विधानसभा काफी सुर्खियों में आ गया था। लेकिन इस वक्त मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर कार्यक्रम में, पहला कार्यक्रम उनका जो है साहिबाबाद विधानसभा में, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर वहां पर चुनाव प्रचार करना था। और खासतौर पर यह देखा गया कि वहां पर लोगों में उत्साह काफी देखा गया और खासतौर पर जिसका समर्थन अब वहां पर पंडित मनमोहन झा को कर रहे हैं। पंडित मनमोहन झा बिल्कुल गदगद है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहित लोगों का जो है पूरा समर्थन उसको मिल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 14 उम्मीदवार इस वक्त एमआईएम के चुनाव मैदान में हैं, जिनका 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण के लिए पूरी तैयारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं और जिसके लिए उनका चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पहले तो उन्होंने वर्चुअल सभा के दौरान लोगों को संबोधित किए, अब डोर टू डोर कार्यक्रम जा रहे हैं, विधानसभा वाइज पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एमआईएम जो है बहुत मजबूत पकड़ बना रही है और विपक्ष जो है इस वक्त घबराए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमीन में मजलिस एंट्री करने के बाद वैसे ही चुनाव सुर्खियों में आ गया था। अब देखा यह जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद अब डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो है खास उन्होंने जो है जो विधानसभा में वहां पर डोर टू डोर कार्यक्रम चलाए साहिबाबाद विधानसभा में, उनका जो है लोगों में उत्साह देखा गया। ऐसा लग रहा है कि जो है साहिबाबाद विधानसभा एमआईएम के झोली में जा रहा है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता और उनके उम्मीदवारों पर निर्भर करता है इस उत्साह को वहां पर वोट में किस तरह से तब्दील कर सकता है। फिलहाल चुनाव प्रचार जोर पर है और खासतौर पर एमआईएम के सभी उम्मीदवार और कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन वहां पर कोई कमी कसर चुनाव प्रचार को लेकर नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है हैदराबाद की सरजमीन से आकर उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह से अपना समर्थन दे रही है। खासतौर पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त सुर्खियों में आ रहा है। लगातार आपको हम चुनाव अपडेट दिखा रहे हैं। आप हमारे द मैसेज न्यूज में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।